विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अंत और बांग्लादेश की मुक्ति का प्रतीक है। भारत ने 52 साल पहले पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद जीत की घोषणा की थी। तो इस युद्ध का क्या कारण था और 13 दिनों के इस युद्ध में क्या क्या हुआ था, आइए हम इतिहास समझते हैं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने कई भारतीय हवाई क्षेत्रों पर बमबारी की। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अम्बाला, आगरा और श्रीनगर सहित कुल 11 हवाई अड्डों पर हमला किया गया। उस शाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय नागरिकों को एक रेडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं खतरे की अवधि के दौरान बोल रही हूँ। घंटों पहले 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हम पर हमला शुरू किया है और फिर जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने रिटेलिएट किया और यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। एक युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान ने अपना आधा देश खो दिया। बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी क्यों चाहता था और बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत की क्या भूमिका थी? ठीक है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ब्रिटिश राज में वापस जाना होगा, कॉलोनियल टाइम से पहले भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका शामिल है। पूरे क्षेत्रों में राजाओं और सम्राटों का शासन था। उनकी अपनी भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां थी। और यदि हम सिर्फ बंगाल क्षेत्र को देखें, तो हम देख सकते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद से बंगाल क्षेत्र पर ज्यादातर मुस्लिम राजाओं का शासन रहा है। खिलजी वंश के संस्थापक मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन की शुरुआत की थी और आगे चलकर 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1947 तक ब्रिटिश शासन चलता रहा और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच विनाशकारी विभाजन हुआ। इस विभाजन के कारण 10 लाख से अधिक लोग अपनी कुछ संपत्ति लेकर रातों रात शरणार्थी बन गए, जिनमें से कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए और कई हिंदू पाकिस्तान से भारत आए। इस विभाजन के कारण कई दंगे और भीड़ हिंसा हुई। विभाजन के कारण 10 से 20 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे और 2 लाख से 2 मिलियन लोग मारे गए थे। इस 14 अगस्त के दिन को भारत हर साल विभाजन भयावह स्मरण दिवस के रूप में याद करता है। खैर, 1940 से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्र में मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था। उन्हें डर था कि अगर भारत एक देश बना रहा तो मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उन्हें निरंतर भय में रहना होगा। लेकिन आज भारत में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। खैर, 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद और भारत के विभाजन के बाद दो स्वतंत्र देश बने, भारत और पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान के दो भाग हुए, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान। दोनों पाकिस्तानियों के पास शुरू से ही कई कारणों से अपनी अपनी समस्याएं थी। बंटवारे के बाद बांग्लादेश यानी पश्चिमी पाकिस्तान मुसलमानों को उम्मीद थी कि एक नया मुस्लिम देश होने से उन्हें बेहतर जीवन स्तर मिलेगा, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। और 1969 से 1970 में पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय पूर्वी पाकिस्तान की तुलना में 61% अधिक थी और पश्चिमी पाकिस्तान में 25 गुना ज्यादा सैन्यकर्मी तैनात किए गए थे। इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भाषा का था। जिन्ना और उनके कई सलाहकारों का मानना था कि एक ही भाषा बोलने से ही पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान वास्तव में एक हो सकते हैं, जो कि उर्दू भाषा होनी चाहिए। और इसलिए जिन्ना और पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के शासकों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को उर्दू को बोलने के लिए मजबूर किया गया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में रहने वाले लोग बंगाली थे, वे बांग्ला बोलते थे और 56% पूर्वी पाकिस्तानी लोग बांग्ला बोलते थे। अली जिन्ना ने ढाका में एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान की राज्य भाषा उर्दू होगी और कोई भाषा नहीं होगी। इससे बंगाल में रहने वाले लोगों में आक्रोश फैल गया और फिर भाषा आंदोलन द्वारा 21 फरवरी 1952 को एक बड़ा विरोध आयोजित किया गया। विरोध करने के लिए छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह विधानसभा के सामने इकट्ठा हुआ।
और पाकिस्तानी सेना ने उन पर गोलियां चलाई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 5 लोग मारे गए थे। बांग्लादेश वो दिन आज भी भूला नहीं है, इसलिए बांग्लादेश में 21 फरवरी को अभी भी भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया। खैर, चलिए वीडियो में वापस आते हैं। और इन घटनाओं का बांग्लादेशियों के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुस्लिम लीग द्वारा उर्दू थोपने के खिलाफ संघर्ष 1960 के दशक तक जारी रहा। खैर, फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच आर्थिक और राजनीतिक असंतुलन और अधिक बढ़ गया था, क्योंकि पाकिस्तान को युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए 6 सूत्री मांग की गई। इस मांग का नेतृत्व अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। ये मांगे इस प्रकार थी। 1. संघीय सरकार का एक रूप, एक व्यक्ति एक वोट के माध्यम से सीधे निर्वाचित एक संसदीय प्रणाली। 2. केंद्र सरकार के पास केवल रक्षा और विदेशी मामलों में अधिकार होगा और अन्य सभी विषयों को पाकिस्तान राज्य की संघीय इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। 3. पाकिस्तान के 2 हिस्सों के लिए 2 स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राएं होंगी या देश के 2 क्षेत्रों के लिए 2 अलग अलग रिजर्व बैंक होंगे। 4. कराधान शक्तियां। 5. पाकिस्तान की दोनों शाखाओं के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के लिए 2 अलग अलग खाते होंगे। 6. पूर्वी पाकिस्तान में एक अलग सैन्य या अर्धसैनिक बल होना चाहिए और नौसेना का मुख्यालय पूर्वी पाकिस्तान में होना चाहिए। इन मांगों ने पश्चिमी पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया और पाकिस्तानी सरकार ने सभी मांगों को खारिज कर दिया। और पाकिस्तानी सरकार ने कहा, ऐसी मांगें अलगाववादी मांगों के समान है। इसी कारण 19 जून 1968 को पश्चिमी पाकिस्तान की अयूब खान की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान और 34 अन्य बंगाली नागरिक और सैन्य अधिकारियों को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। यह मामला अगरतला षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि मुजीबुर रहमान 1968 में पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए भारत से समर्थन मांगने अगरतला गए, इसलिए पाकिस्तान ने उन पर राजद्रोह और भारत पर साजिश रचने का आरोप लगाया। इससे शेख मुजीबुर रहमान एक लोकप्रिय राजनीतिक नेता बन गए थे। वे बंगालियों की आवाज बन गए थे। गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पश्चिमी पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर दिया। लेकिन तब तक प्रदर्शनों, विरोधों और मजदूरों की हड़तालों ने इतना जोर पकड़ लिया था कि अयूब खान को 1969 में इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने उत्तराधिकारी जनरल याहया खान को नियुक्त किया। जनरल याहया खान ने पाकिस्तान में पहला आम चुनाव कराने का वादा किया और फिर 1970 में चुनाव हुए। 1970 के चुनावों के नतीजों ने देश को चौंका दिया। पूर्वी पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग ने चुनाव जीता। अवामी लीग पार्टी ने 313 में से 167 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान की 138 सीटों में से 81 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए मुजीबुर रहमान के पास सदन में स्पष्ट बहुमत था। जनरल याहया खान ऐसा चुनाव के परिणाम नहीं चाहते थे, इसलिए वो परिणामों को रद्द करना चाहते थे। और फिर 1 मार्च 1971 जनरल याहया खान ने चुनाव परिणामों को रद्द करने की घोषणा की। इससे पूर्वी पाकिस्तान में खलबली मच गई। लोगों ने सवाल किया कि लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर 1970 चक्रवात भोला ने पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ और 3 से 5 लाख लोगों की मौत का कारण बना। लेकिन याया खान की सरकार ने पर्याप्त राहत नहीं दी। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। इससे एक बार फिर सड़कें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से भर गईं और इस बार पूर्वी पाकिस्तान ने आजादी का आह्वान किया। यह एक और रोचक पहलू है कि हर पूर्वी पाकिस्तानी एक स्वतंत्र देश नहीं चाहता था, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने अपने ऑपरेशन के लिए कुछ पाकिस्तान समर्थक बंगालियों की भर्ती की। लेकिन इस बीच पूर्वी पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने खुद को संगठित कर लिया था और बंगाली राष्ट्रवादियों ने अपनी सेना बना ली थी, जिसे मुक्ति वाहिनी का नाम दिया गया। स्वतंत्रता सेना मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के खिलाफ छापामार अभियान चलाया और यहां भारतीय सेना ने बहुत अधिक योगदान दिया।
भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया और भर्ती, प्रशिक्षण, हथियार, लैस, आपूर्ति और सलाह देने में मदद की। लेकिन 25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तानी सरकार ने बांग्लादेश में जघन्य नरसंहार की योजना बनाई, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। इसका मकसद बांग्लादेश की आजादी की मांग कर रहे लोकप्रिय लोगों को निशाना बनाकर उनकी हत्या करना था। 25 मार्च की रात पाकिस्तानी सेना के हजारों सैनिकों ने ढाका में मार्च किया। शेख मुजीबुर रहमान को हिरासत में लिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। इस ऑपरेशन सर्चलाइट में एक सप्ताह के भीतर 30,000 से अधिक बंगालियों का नरसंहार किया गया था। ढाका में रहने वाले आधे लोग शहर छोड़कर भाग गए और पाकिस्तानी सेना ने रेडियो संचालन भी बंद कर दिया था, जिसके कारण लगभग 10 मिलियन लोगों ने भारत के राज्यों में शरण ली। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में सीमा पर शरणार्थी शिविर स्थापित किए और भारत सरकार ने उन्हें आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की। शरणार्थियों की भीड़ ने भारत की पहले से ही बोझ से दबी अर्थव्यवस्था को तनाव में डाल दिया। भारत सरकार ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील की, लेकिन उस समय के भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह के अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तान को इस बात की चिंता थी कि भारत इस युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करेगा और बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता दिलाने में मदद करेगा, इसलिए पाकिस्तान ने पहले ही भारत पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन ये रणनीति काम नहीं आई, क्योंकि भारत की सैन्य रणनीति और सैन्य शक्ति पाकिस्तान की तुलना में बहुत बेहतर थी और जो अभी भी है। 27 मार्च 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन दे ही दिया था और निष्कर्ष निकाला कि लाखों शरणार्थियों को लेने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जाना किफायती है। तो फिर भारत ने औपचारिक रूप से 4 दिसंबर को युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध 13 दिनों तक चला। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पाकिस्तान सेना को बुरी तरह पराजित किया और 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया। पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान की सरकार तुरंत गिर गई। 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण के ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें पाकिस्तान सशस्त्र बलों के 79,676 से 81,000 वर्दीधारी कर्मी शामिल थे, जिनमें कुछ बंगाली सैनिक भी शामिल थे जो पाकिस्तान के प्रति वफादार रहे थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। और आपको बता दें कि विश्व के सैन्य इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब किसी सैन्य कार्रवाई के माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण किया गया हो। यह एक अद्वितीय जीत थी। खैर, भारतीय सेना के लगभग 600 अधिकारियों और जवानों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें से 4 को परमवीर चक्र, 76 को महावीर चक्र और 513 को वीर चक्र मिला। इस युद्ध में भारत के 12,000 से अधिक सैनिक हताहत हुए। इनमें से 2,908 ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। फिर अगले वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। भारत ने वादा किया कि 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा और अगले 5 महीनों में पाकिस्तान में भारतीय सैनिकों द्वारा कब्जा की गई 13,000 वर्ग किमी की जमीन पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी। 6 दिसंबर 1971 को भूटान ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश बना। उसी दिन भारत ने भी आधिकारिक रूप से बांग्लादेश को मान्यता दे दी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है और इसने भारत पाकिस्तान संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। साथ ही साथ इसने बांग्लादेश और भारत के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाए हैं, उसे जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भाई लोग 97.7% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए।
चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय बांग्ला। जय बांग्ला। स्वाधीन करो, स्वाधीन करो। बांग्लादेश स्वाधीन करो। वीर बंगाली अस्त्र धरो। बांग्लादेश स्वाधीन करो। স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা, স্বাধীন বাংলার জাতির।